الله أكبر. इसराइल और हमास के बीच जारी सैन्य संघर्ष लगातार हिंसक होता जा रहा है। एक ओर जहां सीजफायर के लिए सारी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं युद्ध का अखाड़ा बन चुके रफा में हमास के लड़ाके पहले से और ज्यादा खूंखार हो गए हैं। हमास को ढेर करने के इरादे से इजरायली बल अपने पूरे लाव लश्कर के साथ गाजा में आए थे, जो आप एक एक करके हमास के लड़ाकों का आसान शिकार बन रहे हैं। IDF की तरह ही अब उनके खतरनाक हथियार भी हमास के निशाने पर हैं। लड़ाकों की ओर से इजरायली सैन्य साजो सामान पर सीधे वार ने IDF को गाजा में तगड़ी चोट पहुंचाई है। इसी कड़ी में फिलिस्तीनी प्रतिरोधियों ने अलग अलग मोर्चे पर इजरायली बलों पर जोरदार हमला बोला है। दक्षिणी गाजा के शहरों और खासतौर से रफा के तल अल हवा के पड़ोस में IDF और हमास के बीच भीषण टकराव देखने को मिला। हमास की मिलिट्री विंग अलकासिम ब्रिगेड ने अलियासीन 105 RPG से इसराइल के दो मेरकावा टैंकों को निशाना बनाते हुए सेकंडों में उन्हें आग के गोले में तब्दील कर दिया। समूह ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें देखा जा सकता है कि घात लगाए लड़ाकों ने इसराइली टैंकों पर एक ही झटके में सटीक निशाना लगाते हुए उन्हें तबाह कर दिया। अलकासिम ने बताया कि लड़ाकों ने थर्मोबैरिक RPG के साथ IDF की पैदल सेना को निशाना बनाया है। इस दौरान कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं। वीडियो में देखा गया कि एक लड़ाका टैंक को उड़ाने के लिए IED फिट करके वहां से भाग निकलता है और इसके बाद एक जोरदार धमाका होता है और इजरायली टैंक के परखच्चे उड़ जाते हैं। इसके अलावा ब्रिगेड ने दावा किया कि उन्होंने नेटजरी मैक्सिस में तैनात IDF पर भारी कैलिबर मोर्टार गोले दागे हैं। साथ ही IDF के सैनिकों के साथ सीधा टकराव हुआ है, जो वहां एक इमारत में छिपे हुए थे। माना जा रहा है कि समूह की ओर से लगातार वीडियो जारी करने से इजरायल पर युद्ध के बाहर भी दबाव बनाने की पूरी कोशिश जारी है। वहीं PIJ की मिलिट्री विंग अलकुद्स ब्रिगेड ने बताया कि उसके लड़ाकों ने 107 mm के रॉकेटों के साथ फजा मिलिट्री साइट पर गोलाबारी की है। ब्रिगेड ने रॉकेट बैराज के साथ अशदो, एशकलॉन और जिरोत बस्तियों के साथ साथ होलेट, येडेट और अफशालोम में भी बमबारी की है। इससे जुड़ा एक वीडियो जारी कर अलकुद्स ने अपने दावे की पुष्टि भी की, जिसमें देखा जा सकता है कि लड़ाकों ने वीरान जगह पर इजरायली बलों के कब्जे वाले इलाकों पर हवाई हमला किया। इसी तरह अल मुजाहिदीन ब्रिगेड ने कई हसब 111 रॉकेट से इजरायली बलों के ठिकानों पर अचानक से भीषण हमला किया। समूह ने अपने लड़ाकों की ओर से दागे गए खतरनाक रॉकेटों का फुटेज जारी किया है। इस बीच शहीद उमर अल कासिम बलों ने भी गाजा के पश्चिम में तल अल हवा के पड़ोस के अल कतीबा इलाके में इजरायली सैनिकों और वाहनों पर भारी मोर्टार गोले दागे हैं। इस समूह की ओर से दावा तो ये भी किया जा रहा है कि भीषण गोलीबारी में कई इजरायली जवानों ने जान गंवाई है। वहीं अलक्सा शहीद ब्रिगेड भी गाजा के पश्चिम में इजरायली बलों पर कहर बनकर टूटी। उन्होंने अपने घातक हथियारों से IDF और उसके सैन्य वाहनों को निशाना बनाया। बताया गया कि ब्रिगेड ने गाजा के पश्चिम में तलल हवा के पड़ोस में यूनिट के बीच हताहतों की पुष्टि करते हुए एक घर के अंदर छिपी IDF की यूनिट को गोलों से निशाना बनाया। रफा में भी ब्रिगेड ने शहर के पूर्व में मोर्टार के गोलों से इजरायली वाहनों पर हमला करने में कामयाबी हासिल की। लड़ाकों की ओर से जारी फुटेज में तबाह हो चुके एक इजरायली स्काईलार्क ड्रोन को भी दिखाया गया। दावा है कि इसे खुफिया मिशन को अंजाम देने के दौरान उत्तरी गाजा में मार गिराया गया था। गाजा के भीतर से आ रहे हमास के हैरतअंगेज वीडियोस ने जाहिर तौर पर इजरायली बलों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की है। राफा में इजरायली सैन्य वाहनों को इतने पास से उड़ाते हुए वीडियोस देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि नेतन्याहू हमास को नेस्तोनाबूद करने के अपने प्रण को पूरा करने के कहीं आसपास भी दिखाई देते हैं। अल्लाहू अकबर।